नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 14वां भाग। सतीश को जन्म देकर जब सुचरिता की माँ की मृत्यु हुई तब सुचरिता 7 वर्ष की थी। उसके पिता रामशरण हालदार ने पत्नी की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज अपनाया और पड़ोसियों के अत्याचार के कारण गांव छोड़कर ढाका में आ बसे। वहीं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हुए परेश बाबू के साथ उनकी घनिष्ठता हो गई। तभी से सुचरिता परेश बाबू को ठीक अपने पिता के समान मानती है। रामशरण की मृत्यु अचानक हो गई। अपनी वसीयत में अपना सब रुपया पैसा लड़के और लड़की के नाम करके वह उनकी देखभाल परेश बाबू को सौंप गए। सतीश और सुचरिता तभी से परेश बाबू के परिवार के हो गए। घर या बाहर के भी लोग सुचरिता के प्रति जब विशेष स्नेह या दिलचस्पी दिखाते तो वरदा सुंदरी को ठीक न लगता। फिर भी चाहे जिस कारण हो, सुचरिता सभी से स्नेह और सम्मान पाती। वरदा सुंदरी की अपनी लड़कियां भी उसके स्नेह के लिए आपस में झगड़ती रहती। विशेषकर मंझली लड़की ललिता तो अपने ईर्ष्या पोषित स्नेह से सुचरिता को मानो दिन रात जगड़ कर बांधे रखना चाहती थी। पढ़ने लिखने में उनकी लड़कियां उस जमाने की सब विदुषियों से आगे निकल जाए, वरदा सुंदरी की यही कामना थी। उनकी लड़कियों के साथ साथ बड़ी होती हुई सुचरिता भी उनका सा कौशल प्राप्त कर ले, यह बात उनके लिए सुखकर नहीं थी। इसीलिए सुचरिता के स्कूल जाने के समय तरह तरह के विघ्न खड़े होते ही रहते हैं। इन सब विघ्नों के कारण को समझते हुए परेश बाबू ने सुचरिता का स्कूल छुड़ा दिया और स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना नहीं, सुचरिता मानो विशेष रूप से उन्हीं की संगिनी हो गई। वह उनके साथ अनेक विषयों पर बातचीत करते, जहां जाते उसे साथ ले जाते। जब कहीं दूर रहने को मजबूर होते तब चिट्ठियों में अनेक प्रसंग उठाकर उनकी विस्तृत चर्चा किया करते। इसी ज्ञान के कारण सुचरिता का मन उसकी उम्र और अवस्था से कहीं आगे बढ़ गया था। उसके चेहरे पर और आचरण में भी जो एक सौम्य गंभीरता आ गई थी, उसे देखकर कोई उसे बालिका नहीं समझ सकता था। और लावण्य उम्र में उसके लगभग बराबर होने पर भी हर बात में सुचरिता को अपने से बड़ा मानती थी। यहाँ तक कि वरदा सुंदरी भी चाहने पर भी किसी तरह उसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। हरान बाबू बड़े उत्साही ब्रह्म थे। ब्रह्म समाज के सभी कामों में उनका सहयोग था। रात्रि पाठशाला में वह शिक्षक थे, पत्र के संपादक थे, स्त्री विद्यालय के सेक्रेटरी थे। वह मानो काम से थकते ही न थे। एक दिन यह युवक ब्रह्म समाज में बहुत ऊंचा स्थान पाएगा, इसका सभी को विश्वास था। विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा पर उनके अधिकार और दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी पैठ की ख्याति विद्यालय के छात्रों के द्वारा ब्रह्म समाज के बाहर भी फैल गई। इन्हीं सब कारणों से सुचरिता भी दूसरे ब्रह्म लोगों की तरह हरान बाबू को विशेष श्रद्धा से देखती थी। ढाका से कलकत्ता आते समय हरान बाबू से परिचय के लिए उसके मन में विशेष उत्सुकता भी थी। अंत में इन्हीं सुप्रसिद्ध हरान बाबू के साथ सुचरिता का न केवल परिचय हुआ, बल्कि थोड़े दिनों में ही सुचरिता के प्रति अपने हृदय के आकर्षण को प्रकट करने में भी हरान बाबू को संकोच न हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुचरिता के सामने प्रणय निवेदन किया हो, ऐसी बात नहीं थी। किंतु सुचरिता की सब प्रकार की अपूर्णता पूरी करने, उसकी कमियों का संशोधन करके उसका उत्साह बढ़ाने और उसकी उन्नति के साधन जुटाने का काम वह ऐसे मनोयोग से करने लगे कि सभी ने यह समझ लिया कि वह विशेष रूप से इस कन्या को अपने लिए उपयुक्त संगिनी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। इस बात से हरान बाबू के प्रति वरदा सुंदरी की पहले की श्रद्धा खत्म हो गई। वह उन्हें मामूली स्कूल मास्टर मानकर उनकी अवज्ञा करने की कोशिश करने लगी। जब सुचरिता ने भी यह जान लिया कि विख्यात हरान बाबू के चित्त पर उसने विजय पाई है, तो उसे मन ही मन भक्ति मिश्रित गर्व का अनुभव हुआ। प्रधान पक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव न आने पर भी सबने जब यह तय कर लिया कि हरान बाबू के साथ ही सुचरिता का विवाह ठीक हो जाया गया, तब मन ही मन सुचरिता ने भी हामी भर दी थी। और हरान बाबू ने ब्रह्म समाज के जनहितों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है, उनके उपयुक्त होने के लिए
उसे कैसे ज्ञान और साधना की आवश्यकता होगी उसके लिए यह विशेष उत्सुकता का विषय हो गया था। वह किसी मनुष्य से विवाह करने जा रही हो और बहुत से ग्रंथ पढ़कर मंगल विद्वान हो गया हो तथा तत्व ज्ञान के कारण बहुत गंभीर भी, विवाह की कल्पना उसके लिए मानो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की घबराहट के कारण रचा हुआ एक पत्थर का किला हो गया। केवल सुख से रहने के लिए वह किला नहीं है बल्कि युद्ध करने के लिए है, पारिवारिक नहीं ऐतिहासिक है। ऐसी स्थिति में ही विवाह हो जाता तो कम से कम कन्या पक्ष के सभी लोग हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मानकर ही ग्रहण करते, किंतु हरान बाबू जीवन के अपने ही बनाए हुए महान उत्तरदायित्व को इतना बड़ा करके देखते थे कि केवल अच्छा लगने के कारण आकर्षित होकर विवाह करने को वे अपने लिए योग्य नहीं मानते थे। ब्रह्म समाज को इस विवाह के द्वारा कहाँ तक लाभ होगा इस पर पूरा विचार किए बिना वह इस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इसी नजरिए से सुचरिता की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। इस प्रकार परीक्षा देनी आरंभ कर दी। हरान बाबू परेश बाबू के घर में सबके सुपरिचित हो गए। उनके अपने घर के लोग उन्हें पानू बाबू कहकर पुकारते हैं, इसीलिए इस घर में भी उनका वही नाम चलने लगा। अब केवल अंग्रेजी विद्या के भंडार, तत्व ज्ञान के आधार और ब्रह्म समाज के मंगल के अवतार के ही रूप में देखना काफी न रहा, वह मनुष्य भी हैं, यही परिचय सबसे निकटतम परिचय हो गया। इस तरह वह केवल श्रद्धा और सम्मान के अधिकारी न रहकर अच्छा और बुरा लगने के नियम के अधीन हो गए। विस्मय की बात यह थी कि पहले दूर से हरान बाबू की जो प्रवृत्ति सुचरिता की श्रद्धा पाती थी, निकट आने पर वही अब उसे अखरने लगी। ब्रह्म समाज में जो कुछ सत्य, मंगल और सुंदर है, हरान बाबू द्वारा उस सब का मानो पालक बनकर उसकी रक्षा का भार लेने पर उसे बहुत ही छोटे जान पड़े। मनुष्य का सत्य के साथ संबंध भक्ति का संबंध है। वह भक्ति स्वभावतया मनुष्य को विनयशील बना देती है। ऐसा ना होने पर वह संबंध जहां मनुष्य को उद्धत और अहंकारी बनाता है, वहां मनुष्य उस सत्य की तुलना में अपने ओछेपन को बहुत स्पष्ट प्रकाशित कर देता है। सुचरिता इस मामले में मन ही मन परेश बाबू और हरान के अंतर की समीक्षा किए बिना ना रह सकी। ब्रह्म समाज से जो कुछ परेश बाबू ने पाया है उसके सम्मुख वह मानो सदा नतमस्तक है। वह उसे लेकर जरा भी प्रगल्भ नहीं होते। उसकी गहराई में उन्होंने अपने जीवन को डुबो दिया है। परेश बाबू की शांत मुख छवि देखने पर जिस सत्य को हृदय में वह धारण किए हैं उसी की महत्ता आंखों के सामने आती है। हरान बाबू किंतु वैसे हैं, उनमें ब्रह्मत्व नाम का एक तीव्र आत्म प्रकाश बाकी सब कुछ के ऊपर छा जाता है और उनकी प्रत्येक बात तथा उनके प्रत्येक काम में और शोभन ढंग से प्रकट हो जाता है। इससे सांप्रदाय में उनका सम्मान बढ़ा था, किंतु परेश बाबू की शिक्षा के प्रभाव से सुचरिता सांप्रदायिक संकीर्णता में नहीं बन सकी थी। इसीलिए हरान बाबू की यह एकाकी ब्राह्मिकता उसकी स्वाभाविक मानवीयता को ठेस पहुंचाती थी। हरान बाबू समझते थे धर्म साधना के कारण उनकी दृष्टि इतनी स्वच्छ और तेज हो गई है कि दूसरे सब लोगों का भला बुरा और झूठ सच वह सहज ही समझ सकते हैं। इसीलिए वह सदा हर किसी का विचार करने को तैयार रहते, विषयी लोग पर निंदा और नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लेकिन जो धार्मिक भाषा में यह काम करते हैं उनकी इस निंदा के कारण एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार भी मिला रहता है जो संसार में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर देता है। उस भाव को सुचरिता बिल्कुल नहीं सह सकती थी। उसके मन में ब्रह्म समाज के बारे में कोई गर्व ना हो ऐसा नहीं था, किंतु ब्रह्म समाज में जो बड़े लोग हैं वे ब्रह्म होने के कारण ही एक विशेष शक्ति पाकर बड़े बने रहे, या कि ब्रह्म समाज के बाहर जो चरित्र भ्रष्ट लोग हैं वे ब्रह्म ना होकर भी विशेष रूप से शक्तिहीन होकर बिगड़ गए हैं, इस बात को लेकर हरान बाबू से सुचरिता की कई बार बहस हो जाती थी। ब्रह्म समाज के मंगल की आड़ लेकर विचार करने बैठकर
हरान बाबू जब परेश बाबू को भी अपराधी ठहराने में नहीं चूकते थे, तब सुचेता मानो आहत नागिन से तिलमिला उठती थी। बंगाल में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में भगवत गीता को लेकर बातचीत नहीं होती थी, लेकिन परेश बाबू सुचेता के साथ कभी कभी गीता पढ़ते थे। काली सिंह का महाभारत भी उन्होंने सुचेता को लगभग पूरा पढ़कर सुनाया था। हरान बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। इन सब ग्रंथों को वह ब्रह्म घरों में दूर रखने की पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं भी ये सब नहीं पढ़े थे। रामायण, महाभारत, भगवत गीता को वह हिंदुओं की किताबें कहकर दूर रखना चाहते थे। धर्मशास्त्रों में एकमात्र बाइबल ही उनका मान्य ग्रंथ था। परेश बाबू अपनी शास्त्र चर्चा में एवं छोटी मोटी अनेक बातों में ब्रह्म अब्रह्म की सीमा की रक्षा करते हुए नहीं चलते, यह बात हरान के मन में कांटे सी चुभती थी। परेश बाबू के आचरण के बारे में प्रकट या मन ही मन कोई किसी तरह का दोषारोपण करने का साहस करे, सुचेता यह नहीं सह सकती थी। हरान बाबू का ऐसा दुस्साहस प्रकट हो जाने के कारण ही वह सुचेता की नजरों में गिर गए थे। अनेक ऐसे ही कारणों से परेश बाबू के घर में हरान बाबू का मान दिन प्रतिदिन घटता गया था। वरदा सुंदरी भी ब्रह्म अब्रह्म का भेद निभाने में यद्यपि हरान बाबू से किसी मायने में कम उत्साही न थी, और उन्हें भी अनेक समय पति के आचरण के कारण लज्जा का बोध होता था, फिर भी हरान बाबू को वह आदर्श पुरुष नहीं मानती थी। हरान बाबू के हजारों दोष उनकी नजरों में रहते थे। हरान बाबू के सांप्रदायिक उत्साह के अत्याचार और निरस संकीर्णता से भीतर ही भीतर सुचरिता का मन प्रतिदिन उनसे विमुख होता जाता था। फिर भी उसका विवाह हरान बाबू से ही होगा, इस संबंध में किसी पक्ष के मन में कोई विघ्न या संदेह नहीं था। धर्म समाज की दुकान में जो व्यक्ति अपने ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ऊंचे दाम का लेबल लगाए रहता है, धीरे धीरे अन्य लोग भी उसका मुहंगापन स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ना तो स्वयं हरान बाबू के ना ही और किसी के मन में इस बारे में कोई शंका थी कि अपने महान संकल्प के अनुसार चलते हुए अच्छी तरह परीक्षा करके सुचेता को पसंद कर लेने पर हरान बाबू के निश्चय को सभी लोग सिर आंखों पर नहीं लेंगे। और तो और, परेश बाबू ने भी हरान बाबू के दावे को अपने मन में अग्राह्य नहीं माना था। सभी लोग हरान बाबू को ब्रह्म समाज का भावी नेतृत्व मानते थे, वह भी इसके विरुद्ध ना सोचकर हामी भर देते थे। इसीलिए उनके लिए भी विचारणीय बात यही थी कि हरान बाबू जैसे आदमी के लिए सुचेता उपयुक्त तो होगी या नहीं, सुचेता के लिए हरान बाबू कहां तक उपयुक्त तो होंगे, यह उन्होंने भी नहीं सोचा था। इस विवाह के सिलसिले में और किसी ने जैसे सुचेता की बात सोचना जरूरी नहीं समझा, वैसे ही अपनी बात सुचेता ने भी नहीं सोची। ब्रह्म समाज के और सब लोगों की तरह उसने भी सोच लिया था कि हरान बाबू जिस दिन कहेंगे मैं इस कन्या को ग्रहण करने को तैयार हूं, वह उसी दिन इस विवाह के रूप में अपने महान कर्तव्य को स्वीकार कर लेगी। सब ऐसे ही चलता जा रहा था। इसी मध्य उस दिन गोरा को उपलक्ष्य करके हरान बाबू के साथ सुचेता का दो चार कड़ी बातों का जो आदान प्रदान हो गया, उसका सुर समझकर परेश बाबू के मन में शंका उठी कि सुचेता शायद हरान बाबू पर यथेष्ट श्रद्धा नहीं करती, या शायद दोनों के स्वभाव में मेल ना होने के कारण ऐसा है। इसीलिए जब वरदा सुंदरी विवाह के लिए जोर दे रही थी, तब परेश बाबू पहले की तरह हामी नहीं भर सके। उसी दिन वरदा सुंदरी ने अकेले में सुचेता को बुलाकर कहा, तुमने तो अपने पिता को सोच में डाल दिया है। सुनकर सुचेता चौंक उठी। भूल से भी वह परेश बाबू के दुख का कारण ना समझ सकी। इससे अधिक कष्ट की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, क्यों, मैंने क्या किया है? वरदा सुंदरी, मैं क्या जानू बेटी, उन्हें लगता है पानू बाबू तुम्हें पसंद नहीं है। ब्रह्म समाज के सभी लोग जानते हैं कि पानू बाबू के साथ तुम्हारा विवाह एक तरह से पक्का हो चुका है। ऐसी हालत में अगर तुम सुचेता, लेकिन माँ इस बारे में मैंने तो किसी से कोई बात ही नहीं की। सुचेता का आश्चर्य करना स्वाभाविक ही था।
वह हरान बाबू के व्यवहार से कई बार क्रोधित अवश्य हुई है, किंतु विवाह प्रस्ताव के विरुद्ध उसने कभी मन ही मन भी कुछ नहीं सोचा। इस विवाह से वह सुखी होगी या दुखी होगी, उसके मन में यह सवाल भी कभी नहीं उठा, क्योंकि वह यही जानती थी कि सुख दुख की दृष्टि से इस विवाह पर विचार नहीं किया जा सकता। तब उसे ध्यान आया, परेश बाबू के सामने ही उस दिन उसने पानू बाबू के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट की थी, इसी से वे उद्विग्न हुए हैं, यह सोचकर उसे दुख हुआ। ऐसा असंयम उससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। उसने मन ही मन तय किया कि अब ऐसी भूल नहीं होगी। धन्यवाद।